पता आपके पास भी ऐसा पटाटो पीसी है और उसमें आप वैलोरेंट को खेलना चाहते हैं और आपके पास ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो भैया आप एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास एक पुराना पीसी है और उसमें आप वैलोरेंट को प्ले करना चाहते हैं। तो वेल गाइस, यहां पर मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू FPS बूस्ट पैक लेके आया हूं जिसके थ्रू आप अपने लो इन पीसी में वैलोरेंट को अच्छे FPS के साथ खेल सकते हो। मैं कहना चाहूंगा कि मैंने वैलोरेंट को अपने 9 साल पुराने लैपटॉप में खेला एंड काफी ऑसम चल रहा है दोस्तों, आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो दिल से बुरा लगता है, सही बता रहा हूँ यार, काफ़ी बुरा लगता है यार जो तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। एंड एक बात और भाई, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो कर दोगे तो यार क्या बताओ, तुम्हें नया GF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपना जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं माई कंप्यूटर पर चलता हूँ एंड मैं बता दूं कि जो मेरा ये लैपटॉप है ये ऑलमोस्ट 9 ईयर्स ओल्ड है एंड काफ़ी लो सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस लैपटॉप का। सेलुलर R है जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, डुअल कोर प्रोसेसर है। एंड रैम की बात करें तो 4GB है, 4GB पर शो कर रहा है दोस्तों, बट इसका जो परफॉर्मेंस अभी 2GB के आसपास हो गया है, काफ़ी लो हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जो ग्राफिक कार्ड है मेरे पास इंटेल HD ग्राफिक कार्ड है और मेरे पास कुछ भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। एंड यार सबसे पहले यहाँ पर आपको FPS बूस्ट पैक को डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करते हो तो भाई आपका गेम नहीं चलेगा, लैग करेगा। तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है, ये आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आप किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 7-Zip पे विनयार से। तो यहाँ पर मैं इसे 7-Zip से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे एंड 24 MB का फाइल है दोस्तों। एंड जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो FPS पैक है वो सक्सेसफुली ट्रैक हो चुका है। सिंपली हम इसे ओपन करते हैं, कॉन्फिग फाइल को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फिग फाइल में जाना है एंड इन दोनों को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। माफ़ करना यहाँ पर यार थोड़ा माउस स्लो काम कर रहा है मेरा, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एंड दोस्तों अब आपको जाना है सर्च बार में, यहाँ पर आपको टाइप करना है %app data%, तो सिंपली आपको यही टाइप करना है, ठीक है। एंड यहाँ इसे आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको ऐप डाटा पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लोकल में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है वैलोरेंट का फोल्डर, तो सिंपली हम सर्च कर लेते हैं, आपको नीचे ही मिल जाएगा यहाँ पर, ये रहा दोस्तों। तो ये रहा हमारा वैलोरेंट का फोल्डर, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, सेव फाइल मिलेगा, सेव फाइल फोल्डर को ओपन करना है एंड आपको यहाँ पर कॉन्फिग पे जाना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, तो ये जो देख रहे हो 90261, तो सिंपली आपको इसमें जाना है एंड यहाँ पर विंडोज को ओपन करना है एंड सिंपली जो आपने कॉन्फिग को कॉपी किया था सिंपली यहां पर आपको रिप्लेस कर लेना है। तो यहां पर रिप्लेस कर लेता हूं, ओके। तो यहां पर जो हमारा कॉन्फिग वाला काम होता है दोस्तों वो तो यहां पर कंप्लीट होता है। अभी हमें फिर से चलना है उस FPS बूस्ट वाले फोल्डर पे, एक प्रॉक्सी मिलेगा वैलोरेंट प्रॉक्सी, सिंपली आपको इस पे जाना है एंड इसे आपको डबल टैप करना है, यहाँ पर आपको यस करना है एंड फिर से यस करना है एंड आपका जो प्रॉक्सी फाइल है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको CS क्लीनर देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है, यहाँ पर आपको कस्टम क्लीनिंग में आना है एंड इसे आपको रन क्लीन में एक बार क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां पर एक पॉपअप शो करेगा, सिंपली आपको यहां से यस कर लेना है एंड जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अगर आपका रन कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा। सभी क्लीनिंग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एंड
यहाँ से अब इसे क्लोज कर लेना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो ये सी क्लीनर का भी हमारा काम कंप्लीट होता है। अब आपको लास्ट में टाइमर रेजोल्यूशन को ओपन करना है, ठीक है, बट अभी से यूज़ नहीं करना है, इसे आपको मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है। अब हमें अपने पीसी या लैपटॉप में कुछ सेटिंग करना है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें सर्च बार पे आना है, यहाँ पर हमें टाइप करना है पावर, तो यहाँ पर आप पावर प्लान लिख, जैसे लिखोगे यहाँ पर एडिट पावर प्लान का आ जाएगा ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, सिंपली आपको ऊपर में पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन में, क्रिएट अ पावर प्लान में आपको क्लिक करना है यहाँ पर, एंड इसे आपको हाई परफॉर्मेंस में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट करना है, एंड यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं डिफॉल्ट ऐसे ही कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं हमारा हाई परफॉर्मेंस पावर प्लान क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली एंड दोस्तों अभी हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमें क्लोज करना है इसे भी, एंड अब हमें फिर से सर्च बार में जाना है। यहाँ पर अपने को टाइप करना है एडवांस, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है दोस्तों एडवांस में, तो यहाँ पर इसे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको इसमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, एंड इसे अप्लाई पे क्लिक कर लेना आपको, ओके। तो यहाँ सिंपली ओके में क्लिक करते हैं, एंड दोस्तों यहाँ हमारा ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है। ग्राफिक कार्ड है, सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज पे जा रहा है, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको पावर ऑप्शन पे जाना है, एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बैलेंस मोड में रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ से इसे आपको अप्लाई करके सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ बस आपको इतना ही करना है, ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट होता है। मेक श्योर कि अगर आपके पास गेम नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर ले। दूसरी बात की यार, प्लीज़ अपने विंडोज़ को अप टू डेट करके रखना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने टाइमर रेजोल्यूशन को नीचे मिनिमाइज करके रखा था, सिंपली अभी आपको इसे मैक्सिमम पे कर लेना है। जब आप गेम खेल लो, मतलब गेम को क्लोज कर लो, तो इसे आप डिफॉल्ट पे कर लेना। तो इसे हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं। अब चलिए हम गेम को ओपन करके देखते हैं कि हमारा गेम कैसा चल रहा है। कि आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा गेम है वो ओपन हो चुका है, एंड यहां पर मेरे को कोई भी लैग्स देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एक बात और कि यहां पर आप जब गेम खेले अपने लैपटॉप या पीसी पे, तो यहां पर आप अपने लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट करके खेले, मतलब जो चार्जर होता है लैपटॉप का उसे कनेक्ट करके खेले, तो इससे क्या होगा कि आपका जो लैगनेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को एकदम लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा की हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास माउस एंड कीबोर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं जो भी लैपटॉप का रहता है उसी से खेल रहा हूँ, माउस पैड से। तो वेल गाइस, बस आज की वीडियो बस इतना ही था। तो इस लो एंड पीसी लैपटॉप में आप वैलोरेंट खेल सकते हैं, वो भी बिना परेशानी के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो इस गेम को अभी तक अपने लो एंड पीसी खेल नहीं पाए हैं या वो खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।